Assalamualaikum, welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद है सब ठीक होंगे. तो चले जी, आज बनाते हैं चना चाट. बहुत ही चटपटी सी चना चाट. इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप ऑफ चना. इसे मैंने ओवरनाइट सोक करके प्रेशर कुक कर लिया है, अच्छे से गल गया है. टमाटो चॉप एंड 1 ऑनियन फाइनली चॉप, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून धनिया पाउडर एंड लाल मिर्च अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, साल्ट, चना मसाला 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, बारीक कटा हुआ धनिया एंड 1/2 लेमन. ग्रीन चिल्ली ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल लें. कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल के अच्छे से गर्म होने के बाद ऐड करें जिंजर गार्लिक पेस्ट. थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें जाएगा ऑनियन. इसे थोड़ा सा ब्राउन होने तक भूनें. भूनने के बाद इसमें ऐड करें टमाटो चॉप. टमाटो जैसे ही सॉफ्ट होता है इसमें ऐड करें सारे मसाले. सारे मसाले डाल के अच्छे से थोड़ी देर भून लें. भूनने के बाद इसमें बॉईल किया हुआ चना ऐड कर लें. इसमें मैं थोड़ा सा 1/2 कप के करीब मैंने चना का पानी लिया है, ताकि हमारे सारे मसाले अच्छे से चने में घुल जाए. अब इसे हम थोड़ी देर हाई फ्लेम में ही कुक करेंगे, पानी सूखने तक. ये देखें, पानी अच्छे से सूख गया है. हमें हाई फ्लेम में रख के इसे स्टफ फ्राई करते रहना है. ये देखें, पानी सूख गया है. अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 लेमन और कटा हुआ धनिया. डाल के अच्छे से मिक्स कर लें. तो लो जी, रेडी हो गया है. अब इसे हम थोड़ा ठंडा होने के बाद इसमें ऐड करेंगे ऑनियन एंड टमाटो ऊपर से, क्योंकि क्रंची ऑनियन अच्छी लगती है चना के साथ. तो आप इसे स्नैक टाइम के लिए खा सकते हैं, बहुत ही मज़े की लगती है. आप डाइट में हैं तो डोंट वरी फ्रेंड्स, आप इसे भी ले सकते हैं बिना ऑयल के, सारे मसाले ऐड करके. इसे भी डी सो मच. आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर. दुआ में याद रखें, फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.